ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको भाद्रपद शुक्ल एकादशी परवर्तनी एकादशी बावन एकादशी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। हिंदू धर्म में परवर्तनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अलावा उनके बावन अवतार की भी पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग केवल परवर्तनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं, उनको सुनने मात्र से हजारों अश्वमेध यज्ञ कराने के बराबर पुण्य फल मिलता है। कुछ भक्त इस दिन कठोर उपवास रखते हैं, वे जल ग्रहण नहीं करते, लेकिन अधिकांश भक्त इस दिन एकादशी व्रत से जुड़े सामान्य नियमों का पालन अवश्य करते हैं। इस दिन पूजा के एक हिस्से के रूप में भगवान कृष्ण की मूर्ति को झील या नदी में ले जाकर पूजा की जाती है। मूर्ति को नदी में नाव की सवारी पर भी ले जाया जाता है। कुछ लोग गणेश चतुर्थी उत्सव के हिस्से के रूप में स्थापित गणेश की मूर्ति को भी ले जाते हैं और उस दिन इसे झील या नदी में विसर्जित कर देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि तथा महत्तम विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, पुण्य स्वर्ग और सब पापों को नष्ट कर देने वाली उत्तम बामन एकादशी का महत्तम मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो, यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन बामन भगवान की पूजा करता है, वह तीनों लोकों में पूजित हो जाता है। अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जिसने भाद्रपद शुक्ला एकादशी का व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और बामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को ध्यान पूर्वक सुने। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त अत्यंत दानी सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञ के प्रभाव से उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीत लिया। तब देवर्षियों सहित इंद्र आदि सब देवता भगवान के समीप जाकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंत में भगवान ने बामन रूप धारण कर अवतार लिया और अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने बामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने बावन रूप धर बलि से तीन पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको तीन पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीन लोक का दान प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर तीन पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूवल लोक में पेट, जन लोक में हृदय, यम लोक में कंठ की स्थापना कर सत्य लोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र इंद्र आदि सब देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूत्रों सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गया, अब तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि,
मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलिरे के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला प्रवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी खीर सागर शेष नाग की पीठ पर हुई। इस प्रकार इस एकादशी को भगवान सहन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का उस दिन पूजन किया जाता है। उसके तांबा चांदी चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यह संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं उनको हजार अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तगणों, एकादशी के दिन भगवान के इन मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं, पहला मंत्र है क्रम कृष्णाय नमः, दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तीसरा मंत्र है ओम श्रीम रीम क्लीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लवाय श्रीम श्रीम श्रीम, तीसरा है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात, चौथा मंत्र है ओम विष्णवे नमः और पांचवा मंत्र है ओम नमो नारायणाय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आप तुलसी की माला से इस मंत्र का कम से कम एकादशी के दिन एक माला जप जरूर करें, या आप अपनी शक्ति के अनुसार जप कर सकते हैं, या आप माला पर नहीं कर सकते हैं तो मन ही मन इन मंत्रों का इनमें से कोई भी एक मंत्र लेकर के ध्यान जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी और आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों अब आइए सुनते हैं श्री गणेश जी की कहानी। एकादशी के दिन एकादशी की कथा के बाद में गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि एकादशी के बाद गणेश जी की कहानी सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब अंधी बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माँ गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा करती थी, भोग लगाती थी, उसके बाद ही अपना भोजन ग्रहण करती थी। गणेश जी उसकी भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हुए और बूढ़ी माँ के पास प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माँ, तुम रोज मेरी पूजा करती हो, मुझे भोग लगाती हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तुम्हारी इच्छा अनुसार जो चाहिए वह मांग लो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करूँगा। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं क्या मांगूँ, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। गणेश जी कहने लगे कि जो चाहिए वह मांग लो, या तुम अपने बहू बेटे से पूछकर मुझे कल बताना, मैं कल फिर आ जाऊंगा। ये बातें सुनकर बुढ़िया अपने बेटे के पास चली गई और बोली कि बेटा, आज गणेश जी प्रकट हुए थे और यह कहकर गए हैं कि मैं जो चाहूं उनसे मांग सकती हूं, बताओ मैं क्या मांगूं, मुझे क्या मांगना चाहिए। बेटा कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से धन दौलत मांग लो। तब बूढ़ी माँ ने अपनी बहू के पास जाकर बोला, बहू, आज गणेश जी ने मुझसे कहा है कि मैं जो चाहूँ वह मांग सकती हूँ, बताओ मैं क्या मांगूँ, मुझे क्या मांगना चाहिए। बहू के कोई संतान नहीं थी तो वह कहने लगी, माँ जी, आप गणेश जी से पोता और पोती मांग लो। बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू की बात सुनने के बाद में सोचने लगी कि हर कोई अपने अपने मतलब की बात कह रहा है, मुझे तो कुछ चाहिए यह कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई मेरे लिए नहीं सोच रहा है। तब बूढ़ी माँ अपने पड़ोसन के पास जाकर कहने लगी कि पड़ोसन, मुझे गणेश जी ने जो चाहिए वह मांगने को बोला है, बताओ मैं क्या मांगूँ। मेरे बेटे ने मुझसे पैसा धन दौलत मांगने को कहा, मेरी बहू मुझसे पोता पोती मांगने के लिए कहती है, तुम्हें बताओ मैं क्या मांगूँ। बूढ़ी माँ की बात सुनकर पड़ोसन ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, तू अधिक दिन जीवित नहीं रहेगी, तू धन दौलत का क्या करेगी, तुम अपने लिए आंखों की रोशनी मांग लो, इससे जीवन अच्छे से व्यतीत हो जाएगा और अंत में मोक्ष मांग लेना। बूढ़ी माँ ने सबकी बात सुनी और अगले दिन गणेश जी की पूजा करने बैठ गई। गणेश जी को भोग लगाया, तभी वहाँ गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बोलो बुढ़िया माँ, तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया कहने लगी कि अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो
तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, मेरी आंखों में रोशनी दें, पोता दें और मेरे पूरे परिवार को सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष दें। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने ये मांगकर मुझे ठग लिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं तेरी सभी इच्छाओं को पूरा करूँगा। इतना कहकर गणेश जी महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया को वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बूढ़ी माता को दिया वैसा हमें भी देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी, क्योंकि कोई भी कहानी कथा सुनने के बाद में लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत करने का और कथा सुनने का, कहानी सुनने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही जीवता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा शेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे, दोनों को लड़ता देखकर रोके और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। तब नारद जी बोले, बस इतनी सी बात, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आई तो नारद जी ने सोचा क्यों ना इसी समय इनकी परीक्षा ली जाए। तो नारद जी ने चुपके से एक बहुत ही कीमती अंगूठी उनके रास्ते में पटक दी। दोनों जब आ रहे थे तो तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली और लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, बताओ नारद जी, हम दोनों में से भगवान की ज़्यादा भक्ति कौन करता है और भक्ति में कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम खड़े हो जाओ। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई इसलिए लपसी बड़ा है, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी बहुत शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा, यदि कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा, यदि कोई दान करते समय साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा, यदि कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा, यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा, यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। बोलो एकादशी महत्तम की जय। बोलो नारद जी भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।